राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ इच्छिमा में स्वागत है। तो जी, सुबह के 10 बजे के आसपास का ये टाइम है और हम अपना काम निपटा करके चल पड़े हैं ज्योति हाँ, के। अग मम्मी मेरे पर काम करो बेबे, सबकी मम्मी काम करो। अरे भी अनु गया है, लड़कियां पापा की परियां होती हैं लेकिन मम्मी की तो काम वाली भाई होती है। एक दो बजे लाइट बज गई, 3 बजे लाइट आ ली। बोड़ो तो सब दिन रात को नहीं आदो, दो दिन रात अपने दिन कितने काम आए थे, हम भी काम आए थे, शाम भी आ गई थी, उस भी जदे आ गई। 4-5 घंटे लाइट ना दे फिर भी एक विश्वास नहीं होगा, फिर लाइट जरूर आवेगी। और पे जब मड़ी सी देर नहीं आओ नहीं खतरा हो जाए, गाड़ को नहीं अंधी हो दे। और पानी 8 दिन में तो फूट गया हुआ, मैं देखिए क्या कब बनावा। और उड़ा है तो एक बार नाल में भी तरसे आदमी बैठ के दिए की बार जड़ जड़ ना काट के दिया कर इनका गुड़हल नहीं है इनका गुड़हल के पत्ते चाहिए थे, तेल बनाऊंगी। तो ज्योति कहते मैं आ गई हूँ और ये अपने जो माटी है वह मैंने खोद ली है अच्छे से, इसमें थोड़ी सी कोको पीट भी मिला दी है क्योंकि धनिया तो भू गया था और काट भी लिया जैना छोटे को नहीं धनिया तो जामण जो। और यहाँ पे जो तुलसी है वो लगा दी है, 3-4 छोटी छोटी थी, एक बड़ी थी। और ये वाइट फूलों के प्लांट्स थे वो लगा दिए हैं, फूट आवेंगे। और एक दो गेंदा सा था तो ये सारे मैंने इस बास्केट में ला दिए हैं, भी जोन सा चार लगा वो अपने फिर दूसरे गमले में लगा दूंगी और जोन सा नहीं चार लगा वो उसका तो करना ही के है। ये भी जो बड़ी तुलसी है या मैंने अलग उसमें लगानी थी पोट में जिसमें मैंने पहले लगा रखी थी। एक तो मैं जैसे जो तुलसी वाला है ना स्पेशली साइड में रखा है वो उसमें लगा रखी थी पहले, और एक में मिट्टी का लेके आई थी। बड़ी तुलसी में मिट्टी वाली में लगा दिया करूँ क्योंकि उसका साइज थोड़ा सा छोटा है तो इस करके। और फिर अपने जो प्लांट्स हैं वो लगा दिए थे। और यहाँ पर जो मैंगो सेक है वो बना लिया है तो इब सब ने मैंगो सेक दे दूँगी और उसके बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट कराँगे। अब ये जो क्लिप है ना ये है शनिवार की शाम का टाइम हो चुका है, करीब 4:30 बजे के आसपास का। और अभी मैं जाऊंगी टोआना तो यहाँ पे मेरी माँ ने मेरे को उतरते ही टोक दिया था कि इतनी लेट हो रही है, इतनी लेट क्यों जावे है। हालांकि मैं गई हूँ ना तो मैं इसी टाइम गई हूँ क्योंकि बहुत गर्मी होती है, इस टाइम थोड़ा सा ये हो जाता है कि चलो थोड़ी गर्मी कम हो जाती है। और फिर इतना कोई लंबा चौड़ा काम भी नहीं है, जल्दी आ जाएंगे, कोई जाने में टाइम नहीं लगना, वहाँ पर टाइम नहीं लगना। लेकिन पता नहीं क्यों कई बार है ना बिना मतलब के भी कह देती है। और फिर अब यहाँ पे पैंट के लिए टोक दिया कि ये इतनी ऊंची पैंट क्यों पहन रही है, इस पैंट पे ना कोनी कपड़े। पैंट ऊंची नहीं है वैसे तो ठीक है, लेकिन बैठते हैं ना तब थोड़ी बहुत ये ऊपर चली जाती है। चलो कोई बात नहीं, तो अब हम चल पड़े हैं तीनों माँ बेटा टुवाना। सबसे पहले हम आए थे राध्या के कान बिंदवाने के लिए तो यहाँ पे ये रो रही थी, बस ये थोड़ी सी मैंने क्लिप निकाली थी, नहीं निकालेगी मेरे से देखा ही नहीं गया, मैंने मुंह फेर लिया था अपना। उसके बाद गई मैं जय का दांत निकलवाने के लिए क्योंकि हर रोज़ रात में ये बहुत बहुत टाइम तक रोता है दांत के लिए, और कल तो ये बहुत ज़्यादा रोया है। कल मेरी भी तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत, मतलब वो जो चक्कर वाली दिक्कत पहले हुई थी ना, अभी खाट में से उठ रही थी तो चक्कर आ रहे थे, घबराहट हो रही थी, और लेटी हूँ तो ठीक हूँ वही वाली दिक्कत थी। साथ में फिर जय पूरी रात दर्द में कराता रहा, तो फिर मेरे को ये था कि निकलवाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, हर रोज़ बच्चा इतना दर्द कैसे सहन करे। तो इसका जो दांत है वो निकलवा कर लेकर के आई,
बहुत मुश्किल से निकाला। एक बार तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये हाथ ही नहीं लगाने दे रहा, मैं कैसे निकालूं। मैंने कहा जी वो आपका काम है, देखो बच्चा तो डर के मारे करेगा ही, इतना तो कर भी नहीं रहा था, आ ई तो बच्चा करता ही है डर के मारे जब हाथ लगाते हैं तो। फिर वहाँ पे एक दो बुजुर्ग और बैठे थे, उन्होंने बोला कि भाई बच्चा है ऐसे तो करेगा ही। फिर उसने निकाल दिया था कहने के बाद, और इतना तो इसने वो किया भी नहीं, जाते ही बेचारा आराम से लौट गया था कि अंकल ये ऐसे दांत दिखा रहा था उसको। लेकिन वो स्प्रे सा किया ना, उससे थोड़ा सा इसको अजीब सा लगा होगा। तो यहाँ पे अब आ गए थे हम शनि मंदिर में, क्योंकि शनिवार था और मेरे को याद आ गया। तो फिर मैं सोचा कि चलो तेल चढ़ा देते हैं, कुछ भार कम हो जाए तो, क्योंकि कई बार है ना बिना मतलब की साढ़ सती चढ़ जाती है। तो यहाँ पे तेल चढ़ाया और अंदर ये जो नवग्रह हैं उनकी मूर्तियाँ हैं तो वहाँ पे भी हमने दर्शन किए और जो मंत्र हैं वो पढ़े, और उसके बाद फिर चल पड़े थे। और तो कोई काम नहीं था, मैन था आज जय का दांत निकलवाना। तो फिर आराध्या को भी मैं ले आई थी कि इसके भी कान बिंधवा देती हूँ, क्योंकि अभी तो लू चल रही है, ठीक हो जाएंगे। जब बारिश का मौसम आएगा ना तो उस टाइम पे तो वैसे भी जल्दी से ठीक नहीं होते हैं। दो काम मैन थे, फिर सारी सब्जियां भी ख़त्म हो रखी थी, कुछ चार पांच चीज़ें घर की थी जो मैन ख़त्म हो रखी थी वो भी लेनी थी। फिर मैंने सोचा कि चलो चलते चलते मैं वो भी ले आऊँगी, और आई थी तो फिर अपना जो मंदिर में दर्शन है वो भी कर लिए, क्योंकि स्पेशल तो आया नहीं जाता। और यहाँ पे अभी जो सब्जियां हैं वो लेंगे। तो अभी हम रास्ते में रुके थे पार्क के आगे ही, क्योंकि जय के लिए बोला था डॉक्टर ने इसको ठंडी चीज़ खिलानी है, कोल्ड ड्रिंक पिला देना। तो फिर मैं सोचा कि जूस ही पिला दूँगी कोल्ड ड्रिंक का, तो क्या पियेंगे, और उसके बाद जो आइसक्रीम है वो दिलवा देंगे। तो यहाँ पे अभी हम पार्क में आए हैं क्योंकि बच्चों का बहुत मन था, बहुत बार बार बोल रहे थे कि मम्मी प्लीज़ 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए पार्क में रुक जाओ। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा कि चल ठीक है कोई बात नहीं, अभी तो टाइम है भी, और यहाँ पे तो हम लगभग आधा रास्ता आ ही चुके हैं, बस आधा रास्ता और रहता है हमारा, क्योंकि ये पार्क है ना रास्ते में ही पड़ता है, हम आते हैं। और टोहाना से तो ये काफ़ी दूर है, मतलब इतना ही ये कनड़ी से पड़ता होगा और इतना ही ये टोहाने से पड़ता है, बीच में है दोनों के। और बस अभी यहाँ पे बच्चों थोड़ी देर झूले, और 3-4 आराध्या की शॉर्ट बनाई थी क्योंकि बहुत लोग थे यहाँ पे आज, बहुत ही ज़्यादा। तो क्योंकि थोड़ा सा ये था ना, ये 6:30 बजे के करीब का टाइम हो चुका था, वरना हम कई बार 6 बजे यहाँ से निकलते हैं ना तो कोई नहीं मिलता उस टाइम पे, और आज तो बहुत ज़्यादा थे। हाँ जा मैं आऊं, पानी को नहीं था मजे आ रहे हैं मजे आ रहे हैं, इनको भी खिला दे, ले ले ले। अब दांत दर्द तो नहीं कर रहा, दांत तो नहीं दर्द कर रहा, सही है। तो अब ये जो क्लिप है ना, ये है संडे की शाम का टाइम हो चुका है करीब 5 बजे के आसपास का। तो 3 दिन का व्लॉग ये है, शुक्रवार में तो कोई क्लिप निकली नहीं थी, मैंने फ़ोन ही नहीं उठाया, और शनिवार में बस मैं जय को लेकर के जाना था तो वो क्लिप निकल गई थी। और अब फिर मैंने सोचा कि चलो ये जो व्लॉग है ना वो कम्प्लीट कर लेते हैं, क्योंकि 2-3 दिन हो चुके हैं और आप लोगों को भी कमेंट मैसेज भी आने शुरू हो जाते हैं कि बेबे व्लॉग क्यों नहीं डाल रही, सब ठीक तो है। और एक बेबे का तो नू आ रहा था कि मेरा तो मूड ऑफ था, मैंने सोची सीमा का व्लॉग आएगा देखूंगी मूड ठीक हो जाएगा, पर तेरा व्लॉग आया ही नहीं। तो इस तरह के कमेंट है ना थोड़ा सा हमें मजबूर भी कर देते हैं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ अब कई दिनों से कि मैं व्लॉगिंग कम कर दूँ, भाई 2-3 दिन में एक व्लॉग डाल दिया करूँगी, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया है मेरे लिए सब कुछ संभालना, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारे काम भी करने पड़ते हैं, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती भी हैं। अब सारी बातें हम यहाँ पे भी नहीं बता सकते, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग तो प्यार करने वाले होते हैं, वो तो समझेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं किसी को परेशान देख करके, ये वैसे भी वो तो परेशानी देते ही रहते हैं कमेंट करके।
तो तरबूज मेरी माँ के लिए मैंने नीचे ही पहुँचा दिया था, क्योंकि ऊपर तो आएगी नहीं, थोड़ी सी नाराज़ थी जिया को लेकर के हो गई थी। ये ना बहुत ज़्यादा शरारत करता है नीचे जाने के बाद, बहुत ही ज़्यादा। अब इसकी पिटाई हुई है इसलिए ये शरीफ बन के बैठा है और कैसे देख रहा है मेरी तरफ। ऊपर से ना ये सही जाएगा बिल्कुल आराम से, और ऊपर रहेगा भी सही, सारी बातें मानेगा, जैसे मैं बोलूँगी वैसा ही करेगा। अगर इसने किसी चीज़ के लिए बोल दिया भाई कोई खाने की चीज़ है, तो मैं बोल दूँगी बेटा बाद में दिलवाएंगे, शाम में दिलवाएंगे, शाम होगी तो सुबह में दिलवाएंगे, ये मान जाता है। लेकिन उसी टाइम ये नीचे जाने के बाद इतनी जिद लगाता है, इतना रोता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना रोना, मतलब परेशान हो जाती हूँ। कई बार तो मैं इग्नोर भी कर देती हूँ कि चल रोने दे कोई बात नहीं, लेकिन कितना इग्नोर करूँ, फिर ना आखिर में कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। फिर अगर मैं इसको बोलती हूँ तो मेरी माँ, फिर वही बातें मेरी माँ की। तो लाड प्यार भी ना एक लिमिट में ही ठीक होता है, क्योंकि ज़्यादा लाड प्यार भी बच्चों को बिगाड़ देता है। और जब इसको ये समझ है कि भी मम्मी यहाँ भी बैठी है, इसको शरारत नहीं करनी है, या ये तो है नहीं मैं इसको सारा दिन धमकाती हूँ या मैं इसकी सारा दिन ही पिटाई करती हूँ, कभी कभार बिल्कुल ही हद कर दे तब। वरना मैं इसको प्यार से भी जो बात समझाती हूँ ना, वो ये समझ जाता है। लेकिन एक तो इनके लिए जया को थोड़ा हैंडल करना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये इसकी बात को समझ ही नहीं पाते। ठीक है, ये कुछ कहता रहेगा, वो कुछ और कहते रहेंगे, फिर इसको चिड़चिड़ापन होता है, फिर ये रोना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और कई बार ये तो बोल भी देते हैं भाई अगर ये तेरे पास अकेली के पास रहेगा ना, तो ये ज़्यादा जल्दी ठीक होगा, ज़्यादा जल्दी ये समझेगा, शरीफ भी होगा, क्योंकि मेरे पास इसको अपनी लिमिट का पता है, हर चीज़ में पता है। और बोलती हूँ मैं बहुत अपनी माँ को भी बोलती हूँ कि थोड़े दिन के लिए टाइट हो जाओ, ज़्यादा दिन के लिए नहीं होना है। क्योंकि ठीक है भाई आप प्यार करते हो, मैं भी तो माँ हूँ, मैं भी तो इससे प्यार करती हूँ, लेकिन कई बार बच्चे के लिए ना थोड़ा सख्त होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि वो आगे फिर और ज़्यादा मार खाएगा, है ना, क्योंकि वो फिर उसका स्वभाव बन जाएगा। तो ये वाली चीज़ें हैं, खैर छोड़ो, कोई इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि ना ये समझते और ना ये समझता, दोनों में से कोई नहीं समझ रहा। तो कपड़े तय लगा दिए थे जो बेड में रखने थे, कुछ ऐसे सूट थे जो हम नहीं डाल सकते, अब नहीं सुहाते हैं गर्मी में, वो मैंने बेड में रख दिए थे। आने के बाद यहाँ पे जो तरबूज है उसके छिलके डाल दिए, इसमें पानी डाल दिया है, क्योंकि बहुत अच्छा होता है प्लांट्स के लिए तरबूज के छिलकों का पानी। और साथ में एक जो पिपी है वो काट करके उसमें मैंने छेद कर लिए थे, लेकिन वो छेद थोड़े से मतलब मोटे होने थे, लेकिन मेरे को कुछ मिला ही नहीं, वो भी मुश्किल से मिला था, छोटा सा सरिया सा था, वो भी बिल्कुल ही पतला था। तो अब उसमें मैं जो प्लांट्स है वो लगाऊंगी, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी, हैंगिंग बास्केट बना रखी थी, उन्होंने बहुत अच्छे लग रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ट्राई करने में क्या जाता है, हम भी करके देख लेते हैं हमारा भी चलेगा या नहीं चलेगा। तो यहाँ पे पीपी में मैंने जो छेद हैं वो कर लिए हैं, और मिट्टी में मैंने थोड़ी सी जो क्रेशर टाइप होता है ना, या फिर रेती होती है, वो मिला ली है, ताकि भाई पानी वगैरह आसानी से वो उतर रहे। और यहाँ पे जो प्लांट्स की कटिंग है वो लगाऊंगी, क्योंकि ये प्लांट्स ऐसा है, ये ना चल पड़ता है, इसको कहीं भी अगर टहनी भी टूट गई, दूसरे हम उसमें डाल देते ना तो भी चल पड़ता है। और ऐसे ही प्लांट्स लगाने में फिर मज़ा आता है, क्योंकि इनका कोई ख़तरा नहीं होता, ये चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो पानी भर करके ये जो छेद थे ना इनके अंदर, मैंने ये जो टहनी है ऐसे डाल दी थी, और बाकी बाद में रिजल्ट देखेंगे इनका क्या रहता है, थोड़ी बहुत ऊपर लगा दी थी। तो यही था भाई आज का व्लॉग, उसके बाद भी मैं कोई क्लिप नहीं निकाल पाई, और आज एडिटिंग में कहीं भी कोई गलती हो रखी हो, कोई बात ऐसी बोल रखी हो तो माफ़ी दे देना, क्योंकि सच बताऊँ ना मैं मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से परेशान हूँ अब इस टाइम पे। बस जैसे तैसे मैंने व्लॉग एडिट कर दिया है, और दो चार दिन बाद कोशिश करूँगी कि अच्छे से प्रॉपर अपने व्लॉग लेकर के आऊँ। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर।